तो ये बात अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए कि ये सिर्फ खाने पीने को तर्क कर देना ही नहीं है, बल्कि उन मकासद जलीला के हुसूल के लिए रोज़ा रखा जाता है जो मोमिन की ज़िंदगी का मकसूद है। और अगर कोई शख्स खाना पीना तो तर्क कर देता है लेकिन उन उमूर से नहीं रुकता जिन उमूर से रोकना इन रोज़ों का मकसूद था, तो उसका रोज़ा रोज़ा नहीं कहलाता। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा ताअमहु व शराबहु। जिसने झूठ और उस पर अमल करना ना छोड़ा, झूठे काम तर्क नहीं किए, उसका भूखा और प्यासा रहना अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूख और प्यास काटे। रोज़े में तो उन उमूर से भी रोक दिया गया जो उमूर आम जिंदगी में जायज़ थे, जो मशरू थे, मुबा थे, लेकिन रोज़े में उन जायज़ मुबा उमूर से भी मना कर दिया गया। तैयब और ताहर खाने, खूबसूरत मशरूब, उनसे रोक दिया गया। आप आबे जमजम भी नहीं पी सकते जबकि वो मुतबर्रक पानी है। शहर मदीना में बैठकर शहर मदीना की पकी हुई खजूरें भी आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आप रोज़े से हैं। तो रोज़े में आपको मुतबर्रक चीज़ें खाने से भी रोक दिया गया, मुतबर्रक मशरूब पीने से भी मना कर दिया गया। तो मुझे बताइए, जो रब आपको मुतबर्रक मशरू और पाकीज़ा खानों से भी एक मखसूस वक्त के लिए रोक रहा है, तो जिन उमूर से आम जिंदगी में शरीयत इस्लामिया ने हमें मना किया, हमारे रब ने हमें मना किया, तो अगर रोज़े के दौरान हम वो उमूर बजा लाएं तो फिर रोज़े की मकसदियत हासिल नहीं होगी। तो इसीलिए फरमाया, जिसने झूठ और झूठे काम नहीं छोड़े, उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ये चाहता है कि मेरे बंदे उन उमूर से भी जब रुक जाएंगे जिन उमूर से आम जिंदगी में नहीं रोका गया, तो वो लाजमी तौर पे उन उमूर से रुकने की कोशिश करेंगे जिन उमूर से उसे मना किया गया है। तो जब ये चीज़ इंसान का फहम, इंसान की अकल और इंसान की खिरत तय करती है, तो फिर ला महाला तौर पे रुकने की आदत उसके अंदर तकवे की नशअत का ज़रिया बनती है। आपने अमूमी तौर पे देखा होगा कि रमज़ानुल मुबारक का माह नूर जब इख्तिताम को पहुंचता है, हमारे सामने ईद के दो चार दिन भी ये मशक रहती है, अचानक कोई मशरूब आया और पीने लगे तो रुक गए, वो कहीं हमारा रोज़ा तो नहीं, लेकिन फिर ख्याल आता, नहीं हम रोज़े तो नहीं हैं, आज तो ईद का दिन है, तो हम पी लेते हैं। चूंकि पूरा महीना दिन भर हम मशरूबात से रुके रहे और आज भी दिन के उजाले में हमें पानी दिया गया, तो एकदम हमें झिझक पैदा हुई, लेकिन फिर हमें याद आया कि अब रोज़े बीत गए हैं और मैं रोज़े से नहीं हूँ। तो जो चीज़ जायज़ और मशरू थी एक वक्त के लिए, उस चीज़ से भी हम रुके तो हमारी तबीयत के अंदर ये मलका पैदा हो गया कि हम उससे रुकने का मिजाज पैदा कर लेते हैं। तो अगर हम उन उमूर से रुक जाते हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने मना किया हुआ है, तो फिर दोबारा जब उसको करने लगते हैं तो फिर हमारा हाथ भी रुकेगा और फिर हम मुस्तकिल अपने हाथ को रोक सकते हैं कि हाँ मियाँ, ये रोज़े में भी चीज़ें मना थी और रोज़े के बाद भी ये चीज़ें हमारे ऊपर मना है। तो एक मलिका पैदा हो जाएगा उन उमूर मनहियात से रुकने का, उनसे बाज रहने का। तो गोया यही तकवा है कि जो अल्लाह जल्ला शानहू ने हमारे ऊपर हराम किया है उससे हम रुक जाएं, जिस काम के करने का हुक्म दिया है उस काम को हम बजा लाएं।